सीएम गहलोत की ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की बड़ी घोषणा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 50% से अधिक जाति आधारित आरक्षण पर रोक लगाने से राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग को झटका लग सकता है। दरअसल एमपी में पिछड़ा वर्ग आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिए जाने से आरक्षण 63% हो गया था, जिसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग का 10% आरक्षण शामिल नहीं है। राजस्थान में वर्तमान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर 54% आरक्षण है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जातियों के पिछड़ेपन पर आधारित आरक्षण को लेकर स्पष्ट किया है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ ने यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। याचिका में कहा, राज्य सरकार ने सितंबर 2021 में सर्कुलर जारी कर कहा कि राज्य या उसके संबद्ध निकायों की प्रक्रियाधीन भर्तियों पर 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा लागू नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 अगस्त को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग के 21% आरक्षण को 6% बढ़ाकर उसे इस वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व करने की घोषणा की थी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर का कहना है कि जाति आधारित आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग का आरक्षण वर्टिकल है। राजस्थान में जाति आधारित आरक्षण 54% हो गया है, जबकि यह 50% से अधिक नहीं हो सकता। अगर आरक्षण और बढ़ाया जाएगा तो वह भी कानून सम्मत नहीं होगा। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।